नमस्कार, मैं अनुज पाल के क्या न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर के हनुमानतल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भानतलैया क्षेत्र में एक पत्रकार के ऊपर कुछ बदमाशों द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हुए पत्रकार को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां इस घटना के बाद पत्रकारों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद का प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय संयोजक ननिल कांत वाजपेयी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद तिवारी ब्लॉक पाठक के नेतृत्व में कलेक्टर एवं SP से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान परिषद सदस्यों ने गत रात्रि पत्रकार पर हुए हमले की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। स्टैंड में काम करते हैं, वो साइकिल स्टैंड के लिए एक बार इन और आउट के कारण बहस हुई थी। हम अपने परिवार को लेके ड्रॉप इन ड्रॉप आउट में जा रहे थे, जहाँ किराया नहीं लगता, उसके कारण उसने बहस की। उसके बाद ये नाटी बाबू सोनकर के, गजेंद्र सोनकर वगैरह के लड़कों के साथ रहते हैं, तो बदमाश समझते हैं अपने आप को। हमको दो बार धमकी दी इनने। इसके पहले भी एक बार अटैक हुआ था हमारे ऊपर हनुमानतल थाने में। भानतलैया में मतलब गजेंद्र सोनकर के जो टूटा वाला मकान है उसके जस्ट पीछे। इसके पहले भी एक बार हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हमने इसकी कंप्लेंट भी की थी हनुमानतल थाने में, हालांकि उसके कुछ परिणाम नहीं मिला और CCTV वगैरह में वो बंदे दिखे नहीं जिनने अटैक किया था। तो ये पहले भी हो चुका है, ये दूसरी बार हो रहा है जो सामने से अटैक हुआ है। इसके पहले जो अटैक हुआ था उसमें हमें कुछ नहीं पता चला, ना तो पुलिस पता लगा पाई कि किसने अटैक किया है और ना उनकी कोई जानकारी मिली। ये अटैक सामने से किया है, चौरसिया परिवार है इनके, स्वयं चौरसिया और उनके भाई वगैरह हैं जिनने अटैक किया। अच्छा अच्छा, जल्दी एक चाकूबाजी और हो गई। आपका नाम क्या है भैया? लेकिन अभी जो हुआ है ये अटैक प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। इसके पहले भी मेरे ऊपर एक अटैक हो चुका है जिसमें मेरा कैमरा भी टूटा था, मेरे को काफी चोटें लगी थी, सभी अखबारों में ये खबर भी छपी थी, पत्रकार पे हमला हुआ। उसकी जानकारी आज तक नहीं लग पाई, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि किसने अटैक किया था। आज ये अटैक खुल के सामने से हुआ है मेरे ऊपर और पत्रकारिता के कारण कई दिनों से इनसे मेरा बात ऐसी चल रही है कि कभी ये बोलते हैं कि इसको कवर नहीं करो, हमारे यहाँ पे ये जो काम हो रहा है रात को, हम यहाँ तकवारी करते हैं, उसको कवर नहीं करो। कई दिनों से ये चल रही है बात, लेकिन फिर भी मोहल्ले के कारण मैं इनके ऊपर मैंने पिछली बार शक नहीं किया। आज खुल के इन्होंने सामने आकर मेरे पिताजी को धक्का दिया, मेरे घर के सामने गाड़ियाँ गिराई और कम से कम 7-8 लोग इकट्ठे हुए थे जिसमें से 3 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है। अब उसमें से स्वयं और उसका एक भाई था जो दोनों हथियार लेके आए थे, डंडे और उनके पास धारदार हथियार था। किसने मारा है मुझे नहीं पता, इन दोनों में से किसी एक ने मुझे मारा है। और इन्होंने पहले विवाद किया, विवाद के बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा पत्रकारिता दिखाते हो, फिर मेरे ऊपर इन्होंने अटैक किया। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है भैया? ये कमर में पड़ा है मुझे कुछ धारदार, इन्होंने मारा है, पूरा ये छेद हो गया है। अब ये चाकू है, गोली की आवाज नहीं आई इसलिए मुझे शक नहीं है, छेद तो गोली जैसा है लेकिन गोली की कोई आवाज नहीं थी, ये चाकू ही मारा गया लग रहा है मुझे, किसी धारदार हथियार से अटैक। जी भैया, आज आप लोगों ने क्या SP साहब से मुलाकात की, क्या आप लोगों ने आश्वासन मिला, किस तरह जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं वर्तमान समय में? पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं इसकी पुनरावृत्ति कल रात में फिर हुई। हमारे साथी पत्रकार साथी नील तिवारी पे हमला हुआ है, 10 सूत्र का, वो यहाँ का देखते हैं कार्य, और जैसे ही पता चला तो हम लोग वहाँ पहुँचे और उनको एडमिट कराया। इस संबंध में चूंकि उनके परिवार को भी कुछ असामाजिक तत्व धमकी दे रहे हैं, साथ में थाने में दबाव बना रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, तो इसमें आज पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग मिलने आए हैं और उन्होंने बताया, पुलिस अधीक्षक महोदय ने बाकायदा कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और साथ ही शहर में जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा, पूरे प्रदेश की बात करूंगा मैं तो, देखा जाएगा तो हर जगह पे ऐसे अगर हो रहा है तो उसको हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आज मुख्यमंत्री को हम यहाँ से कर रहे हैं, बाकायदा ट्वीट भी होगा, अभी 15-20 मिनट बाद उनको एक ट्वीट हो जाएगा और उसके बाद एक बना के हम लोग एक लेख पूरा उनको दे रहे हैं उसमें। साथ ही इसके बाद हम लोग न्यायालय की भी शरण लेंगे, क्योंकि सुरक्षा तो चाहिए किसी भी शर्त पर चाहिए, अगर हमारे लोग फील्ड में कार्य करते हैं और आप ही लोग हैं जैसे बाकी लोग हैं जो
तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित भी होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम भी आखिर तंत्र का एक हिस्सा हैं और लोगों के आईना का काम करते हैं, तो हमें उसकी सुरक्षा चाहिए। हम इसके लिए प्रशासन से अनुरोध भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को भी आज हमारा ज्ञापन जाएगा। कल रात हमारे पत्रकार साथी नील तिवारी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, और जिन लोगों ने हमला किया उन हमला वालों को चिन्हित भी कर लिया गया है, और रात में ही नील तिवारी जी को हमारे साथी पाठक जी द्वारा वहाँ पर मेट्रो अस्पताल भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत अभी चिंताजनक है। उसी संबंध में हम लोग आज एसपी ऑफिस आए हुए थे और एसपी साहब से निवेदन किया है कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, और कलेक्टर साहब से भी मुलाकात इस संबंध में की जाएगी, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बात की गई है कि इन पत्रकारों की को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ध्यान दे। पत्रकारों पर इस तरह के आए दिन हमले हो रहे हैं, इसके लिए प्रयास आप लोग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और इसके लिए क्यों नहीं ये प्रशासन जाग रहा है? और प्रशासन तो जाग रहा है, क्या होता है शहर में असहाय तत्व जो होते हैं, कुछ लोगों को पत्रकारों में पहचानते भी नहीं है, इसलिए हमले हो जाते हैं, और कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि पत्रकार अपने चूँकि समाचार निकालता है या समाचार प्रकाशित करता है, तो उस संबंध में भी लोगों की एक दुर्भावना रहती है, उस कारण भी पत्रकारों पर हमले होते हैं। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केके न्यूज़ चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।